नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज में तो इस समय एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। प्रेमी के साथ रहने वाली महिला की हत्या, दूसरे लोगों से भी मिलती थी धारदार हथियार से किए गए कई वार, खून से लथपथ मिली लाश। दुर्ग के उती थाना क्षेत्र के जोरातराई शराब दुकान के पास एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतिका के हाथ पैर, चेहरे और छाती पर किसी धारदार हथियार से वार कर उसकी निर्मम हत्या की गई है। महिला की पहचान पूजा निर्मलकर 32 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस महिला के परिजन व प्रेमी से पूछताछ की जा रही है। उती थाना प्रभारी मोनिका पांडेय ने बताया कि जोरातराई शराब भट्टी के पास शुक्रवार सुबह एक महिला की लाश मिली थी। मृतका की पहचान पूजा निर्मलकर 32 वर्ष के रूप में की गई। उसकी शादी 12 साल पहले इमलेश यादव से हुई थी। 5 साल पहले वो अपने पति को छोड़कर उमदा निवासी अविनाश ओझा नाम के युवक के पास चली गई थी। वे दोनों 5 साल तक पति पत्नी की तरह रहे। इसी दौरान जब शुक्रवार सुबह उसकी लाश शराब भट्टी के पास मिली तो सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पंचनामा करके उसे पीएम के लिए भेजा। इसके बाद पुलिस महिला के परिजनों व पति इमलेश यादव और प्रेमी अविनाश ओझा से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि 1.5 साल से ज्यादा समय से पूजा निर्मलकर अविनाश के साथ ही कई अन्य लोगों के साथ भी रह रही थी। इसे लेकर उसके व अविनाश के बीच विवाद भी होता था। उती पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। आरोपी ने महिला के पैर, सीने व चेहरे पर नुकीली चीज से 15-20 वार किए। कई बार वार करने से महिला का चेहरा काफी बुरी तरह बिगड़ गया था। इससे उसकी पहचान भी बड़ी मुश्किल से हुई। पुलिस ने कहा, जिसने भी उसकी हत्या की है वो कोई बड़ी रंजिश के चलते की गई है।